महिलाओं के न्याय के लिए किसान मजदूर कल्याण समिति संगठन द्वारा दिया गया ज्ञापन। 15 दिन के अंदर नहीं हुई कार्यवाही तो अनिश्चितकालीन होगा धरना। कुलदीप मिश्रा। प्रयागराज जनपद के यमुनापार क्षेत्र के विभिन्न तहसीलों से माला बनाने के नाम पर महिलाओं से कंपनी ने बड़े पैमाने पर ठगने का कार्य किया, जिसको लेकर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए किसान मजदूर कल्याण समिति संगठन व वैदिक सेना ने चौपाल लगाकर महिलाओं को जागरूक किया व तहसील के कर्मचारी को ज्ञापन देते हुए न्याय की मांग की और यह भी चेताया कि अगर 15 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर अनिश्चितकालीन धरना व तहसील में ताला लगाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग महिलाओं को संगठन के यमुना पार अध्यक्ष की अगुवाई में चंद्रकली सिंह ने कंबल वितरण कर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित रहे किसान मजदूर कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा, यमुना पार अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, वैदिक सेना से श्याम नारायण भार्गव, चंद्रकली सिंह, रुचि सिंह, अंकित सिंह, अंगद सिंह, जयबली यादव आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव की रिपोर्ट। हम किसान मजदूर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा, किसानों के साथ गांव-गांव ठगबजारियां चल रही हैं। हमारा लक्ष्य है ठगों को गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। जैसा कि हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया कि महिलाओं के साथ 35-35 रुपए की ठगबजारी हुई, अब एक गांव में नहीं हुई, कम से कम काफ़ी गाँव में हो चुकी है। और कब तक ठगबजारी चलेगी, कब तक हमारे किसान ठगे जाएंगे? तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ठगहारों के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई किया जाए और इनके ऊपर FIR हो और जेल भेजा जाए। जैसा कि ठंड का महीना चल रहा है और आप लोग कंबल वितरण किए हैं, ये तो भाई हमारा दायित्व बनता है कि अपने कमाई का दसवांश हमको कुछ न कुछ करना चाहिए, इसलिए हम गरीबों के साथ करते हैं और करते रहेंगे, हर साल करते रहेंगे। यहाँ बैठक के माध्यम से तहसील के कोई अधिकारी आए थे, उनको ज्ञापन दिया और ज्ञापन में क्या आश्वासन आपको दिया गया? ज्ञापन में हमने यही दिया कि अगर हमारी ये मांगे 15 दिन के अंदर पूर्ण नहीं होती है तो हम किसान को लेकर के अनिश्चितकालीन पर धरने बैठने का काम करेंगे। और यहाँ का जो कार्यक्रम करने का मुख्य मकसद क्या था? मुख्य मकसद मेरा यही था कि जो किसानों के साथ माला बनवाने के नाम पे ठगबजारी हुई है, मुख्य मकसद यही था और यही लास्ट भी मकसद आप मान के चलिए। और यदि ऐसा 15 दिन के अंदर नहीं होता है, गिरफ्तार कोई नहीं होता है, तो हम किसान मोर्चा खोलने का काम करेंगे और मेरा तहसील में बैठ करके और आमरा अनशन पर बैठने का काम करेंगे। अनिश्चितकालीन कोई डेट नहीं रहेगा कब तक ये अनशन चलेगा। आज यहाँ पे बैठक के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, किसान और मजदूरों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं वैदिक सेना प्रभु, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुलदीप जी हमें इस समस्या से अवगत कराए और हम इनके साथ में हैं। जितनी भी ठगबजारी हुई है यहाँ पर, जो अभियुक्त हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम अध्यक्ष जी के हमेशा साथ रहेंगे और हमें भी इनके साथ मिल करके समाज की सेवा करना है। जो पीड़ित हैं, जो दीन दुखी हैं, हमको उनके साथ लेकर के चलना है। जनपद के कई ऐसे तहसीलें हैं जहां से हर तहसीलों से अगर देखा जाए तो महिलाएं इस तरीके का शिकार हुई हैं ठगों से, क्या हर महिलाओं के आप इसका दिला पाएंगे? बिल्कुल दिला पाएंगे। पहली चीज थी कि हमारे समाज में जो ऐसी ठगबजारी हुई, आकर के इनके दिमाग को किसने फेरा उस विषय में, वहाँ पर किसी ने सोचा नहीं कि इसमें जहाँ तक की कार्रवाई हुई है कुछ लोग मिल करके किए हैं और उनको जब जो इसमें मिले हुए हैं अगर उनको पकड़ा जाएगा तो अवश्य इसमें सबको सफलता मिलेगी। हमको कितने दिन का मोहलत लिया गया है? अब अभी अध्यक्ष जी ने 15 दिन का मोहलत दिया है और 15 दिन के अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कोई हमको संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया गया, हम इनके साथ मिल करके अभियान छेड़ेंगे। जो है वैदिक सेना प्रमुख श्याम नारायण भार्गव।